नमस्कार, मैं श्री कुमार शुक्ला आज कक्षा दसवीं के लिए क्रिया विशेषण पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि मैं पिछले संकलन में पढ़ा चुका हूं कि विशेषण क्या होता है और क्रिया विशेषण क्या होता है, फिर से एक बार आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। विशेषण ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया विशेषण सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता है। दोनों में अंतर एक ही है, विशेषण और क्रिया विशेषण में। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता है। तो पिछले संकलन में मैंने विशेषण के चार भेदों को मैंने बता चुका हूं। अब मैं क्रिया विशेषण आपको बताने जा रहा हूं। क्रिया विशेषण का परिभाषा है, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। हमने यहां देखा सिंपल, मैंने पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर घोड़ा ये संज्ञा है, दौड़ना ये क्रिया। तेज संज्ञा के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, तेज प्रयोग किया गया है दौड़ने के लिए, इसलिए यह क्रिया विशेषण हुआ। यानी जिन अधिकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता या क्रिया के होने का पता चले उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं क्रिया विशेषण के भेदों के नाम। मुख्य रूप से क्रिया के, क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला रीतिवाचक, रीतिवाचक। दूसरा कालवाचक। और तीसरा स्थानवाचक। और चौथा परिमाणवाचक। ये क्रिया के चार, क्रिया विशेषण के ये चार, सॉरी क्रिया विशेषण के ये चार भेद हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है कि जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के रीति का पता चले या क्रिया के होने का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेज हाथों हाथ, हाथों हाथ, यथाशीघ्र, यानी हमने देखा वो शब्द, वो अभिकारी शब्द जो क्रिया की रीति के बारे में, यानी क्रिया किस ढंग से हो रहा है, धीरे हो रहा है, तेज हो रहा है, यथा संभव हो रहा है, यथा शीघ्र हो रहा है, इन शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे बोल, वह धीरे धीरे बोल रहा,
हमने यहां पर देखा ये धीरे धीरे अविकारी शब्द है जो बोलने मन क्रिया के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी इस क्रिया के रीति के बारे में बता रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। वैसे लोग हाथों हाथ हाथ उठा लिए। अब हमने देखा यहां पर जो हाथों हाथ का प्रयोग किया गया है यह उठाने के लिए प्रयोग किया गया है, यानी यहां उठाने की इस क्रिया की रीत के बारे में यह बता रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसी प्रकार घोड़ा यथा शीघ्र दौड़ने लगा, घोड़ा यथाशीघ्र दौड़ने लगा। अब हमने देखा कि ये यथाशीघ्र संज्ञा के लिए प्रयोग नहीं किया गया, यह यथाशीघ्र दौड़ने के लिए प्रयोग किया गया है, यानी यह क्रिया के रीति या ढंग के बारे में बता रहा है, क्रिया किस तरह किस ढंग में हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, इसलिए इस इन सभी को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम कहते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया कि धीरे धीरे हाथों हाथ आंखों आंख मुंहों मुंह कानों कान तेज ये सभी मधुर ये सभी रीतिवाचक मधुर कड़वा ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता। अब आइए हम जानते हैं दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जिस अविकारी शब्द से क्रिया के समय का पता चले, जिस अविकारी शब्द से क्रिया के समय का पता चले वह होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण में उस एग्जाम्पल में आज कल अभी ये सभी अब ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण ये सब अविकारी शब्द हैं, यानी इनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता है। अब जैसे वह आज वह अभी आया, वह अभी आया, अब हमने देखा कि जो ये अभी अभी मैंने समय का पता ये मैंने इस क्रिया के समय के बारे में बता रहा है, इस क्रिया के समय रीतिवाचक में मैंने देखा मैंने क्रिया की रीति ढंग नियम के बारे में बता रहा है तो रीतिवाचक हो गया। अभी हमने देखा कि ये जो क्रिया है आया इस क्रिया के समय को ये बता रहा है अभी आया, यानी यह कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। नरेश कब जा रहा है, नरेश कब जा रहा है, अब हमने देखा कि यहां पर जा रहा यह समय के बारे में बता रहा है, यानी यह अधिकारी शब्द क्रिया के समय के बारे में बता रहा है, यह अधिकारी शब्द क्रिया के समय के बारे में बता रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया कि कब जा रहा है। तो हमने देखा कि जो अधिकारी शब्द क्रिया के समय के बारे में बताए वह तुम कल
कल जाना, तुम कल जाना, हमने देखा ये जाना क्रिया है और कल, कल ये समय के बारे में बता रहा है, यानी ये अविदाही शब्द इस क्रिया के समय का, माने जो क्रिया हो रहा है उस क्रिया का ये समय बता रहा है। तो समय बताने वाले क्रिया, जो अविकारी शब्द क्रिया के समय को अवगत कराता हो वही होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हो गया, हमने देखा कि जो अविकारी शब्द क्रिया के समय का बोध कराता हो, क्रिया के समय को बताता हो, वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब आइए हम देखते हैं तीसरा स्थान वाचक, स्थान रीत काल, रीत माने ढंग नियम, रीत काल समय, अब आ गया स्थान। जो अविकारी शब्द, जो अविकारी शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताए वो स्थान वाचक क्रिया विशेषण होता है। जो शब्द, जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में, क्रिया क्रिया के स्थान के बारे में बताए उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आमने सामने, आमने सामने, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ये स्थान के बारे में बता रहा है। सामने, ये सभी, ये सारे शब्द अभिकारी, ये सारे अभिकारी शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो ये स्थान वाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, बच्चे बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, अब हमने देखा ऊपर ये क्रिया, यानी ये शब्द बता रहा है कि क्रिया किस जगह पर हो रहा है, यानी ये शब्द इस क्रिया के बारे में बता रहा है कि ये कहां पर हो रहा है, यानी ये शब्द स्थान का बोध करा रहा है, उसे स्थान वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे हमने देखा कि यही शब्द बता रहा है कि क्रिया कहां पर हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, तो जब जो अविकारी शब्द क्रिया के स्थान को अवगत कराता है, बताता है, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे आपके सामने स्पष्ट है कि कहां पर हो रहा है, जैसे नीचे, मछली जल के नीचे तैर रही, अब यहां पर देखें, हमने देखा नीचे तैरना, यानी ये शब्द बता रहा है कि क्रिया कहां पर हो रही है, ये शब्द देख ध्यान देने की चीज है, मछली जल के नीचे तैर रही है, यानी ये नीचे बता रहा है कि क्रिया किस स्थान पर हो रहा है, नीचे तैर रही है, तो मुख्य रूप से और ये अविकारी शब्द इस क्रिया के स्थान के बारे में बता रहा है, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। उसी प्रकार दाएं, हमें किनारे, दाएं बाएं, ये सारे शब्द स्थानवाचक
क्रिया विशेषण होता है। हमेशा रोड पे, रोड पर बाई की तरफ चलना चाहिए। अब बाई तरफ यानी ये स्थान बता रहा है चलने का, यानी यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अब आइए परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण में हमने देखा नाप तौल, यानी जो अभिकारी शब्द क्रिया के नाप तौल के बारे में बताए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल खूब ज्यादा कितना, खूब ज्यादा कितना, कम काफी, ये सारे क्रिया के माप और तौल के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह आज खूब दौड़ा। अब हमने देखा ये खूब यानी इसका माप तौल के बारे में बता रहा। आज पानी कम आया, अब हमने देखा आना यानी क्रिया, और ये क्रिया का माप तौल कर रहा है कि कम आया, आज पानी कम है। वह कितना पढ़ा। अब यहां पर हम देखें क्रिया और क्रिया का ये माप तौल बता रहा है कि कितना पढ़ा। तो हमने देखा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में माप तौल का है जो अभिकारिक शब्द क्रिया के माप और तौल के बारे में बताए वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे खूब ज्यादा कितना कम काफी, तो मैंने देखा कि वह कितना पढ़ा यानी यह क्रिया का माप तौल बता रहा है कितना, तो यह हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आज खूब दौड़ा यानी यह दौड़ने के वक्त का मेजरमेंट माप तौल बता रहा है। पानी कम आया यानी आने का बता रहा है, इसलिए यह जो अभिकारी शब्द क्रिया के माप तौल के बारे में बताए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। हमने सभी का उदाहरण के साथ व्याख्यान भी किया कि जिससे रीति, जो अभिकारी शब्द क्रिया के रीति, ढंग, नियम के बारे में बताए उसे रीतिवाचक कहते हैं, जो शब्द क्रिया के समय के बारे में बताए उसे कालवाचक कहते हैं, जो अभिकारी शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बोध कराए उसे स्थानवाचक कहते हैं, जो अभिकारी शब्द क्रिया के माप तौल के का बोध कराए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अब अगले संकलन में हम नेक्स्ट व्याकरण को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।